हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आज एग्जाम्पल सेकंड करेंगे. शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर. टू सर्कल्स है, वो शो करना है कि वो टच कर रही है और जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसके पॉइंट फाइंड करने हैं एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है. देखो जो टू सर्कल्स है हमने ये शो करना है कि किसी पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये एक रेडिकल एक्सिस या टेंजेंट की इक्वेशन पहले हम निकालेंगे. रेडिकल एक्सिस और टेंजेंट की इक्वेशन सेम ही है, दो सर्कल का जो टेंजेंट है वो सेम है और इसको ही हम रेडिकल एक्सिस बोलेंगे. तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे और हम रेडिकल एक्सिस और सर्कल इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे. रेडिकल एक्सिस और कोई भी सर्कल, ऊपर वाले में ऊपर वाले सर्कल का भी निकाल सकते हो या दूसरे सर्कल का भी निकाल सकते हो. तो पॉइंट निकालेंगे, वो पॉइंट जो निकलेगा उस पॉइंट पे अगर सिंगल पॉइंट इक्वल पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब टू सर्कल्स क्या कर रही है, इस पॉइंट पे टच कर रही है. तो सबसे पहले हम रेडिकल एक्सिस निकालते हैं. ये टू सर्कल्स गिवन है तो रेडिकल एक्सिस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. एक्स स्क्र खत्म, जीरो. वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र जीरो. टू एक्स माइनस माइनस प्लस फोर एक्स कितना आ गया, सिक्स एक्स. टू वाई माइनस माइनस प्लस सिक्स वाई एट वाई. वन प्लस थ्री फोर इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से टू कॉमन निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो. तो विच इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस या टेंजेंट की इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन भी बोल देते हैं. विच इज इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, हमने टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड करनी है तो यही टेंजेंट की इक्वेशन है ये वाली, ठीक है. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करने हैं तो मान लो ये हमारी इक्वेशन है, इसमें से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. वाई की निकालनी, वाई की निकाल सकते हैं, जैसे 4y इज इक्वल टू ये 3x उधर के माइनस का 3x माइनस टू. यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कॉमन निकाल दिया, 3x प्लस टू अपॉन फोर आ गई, फोर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला गया. यही y की वैल्यू या फर्स्ट सर्कल में पुट कर दो या सेकंड सर्कल में पुट कर दो, हम वहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल लेंगे रेडिकल एक्सिस में से. ये ध्यान रखना रेडिकल एक्सिस में से हमने निकाल लिया क्योंकि रेडिकल एक्सिस दोनों की कॉमन एक्सिस है, दोनों सर्कल्स की. तो ये पॉइंट निकाल दिए y, इसको हम फर्स्ट सर्कल में पुट करते हैं. सेकंड में भी आप पुट कर सकते हो, जिसमें मर्जी पुट कर सकते हो. y की वैल्यू, y का स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करोगे, जब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस नेक्स्ट 2 इंटू वाई, वाई की जगह रखेंगे, माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, 2 3 का 6, 6 2 का 12x अपॉन 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 2x. ये प्लस माइनस माइनस ये कट कर दिया, क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन 2, ये ब्रैकेट में रखना है क्योंकि माइनस दोनों के साथ बाद में मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 16 हमने एलसीएम ले लिया सभी का, 16 एलसीएम लिया, क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस ये वैसे ही रहेगा 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 2 का 32x माइनस 2 को 16 से डिवाइड किया 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया 8 3 का 24x और प्लस माइनस माइनस 8 2 का 16, 8 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 16 क्योंकि 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 16. अब सॉल्व करते हैं, 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर कितना हो गया 25x स्क्वायर. ये 16 से 16 कट हो रहा है, अब 32 में से 24 माइनस कर दिए 8x, 8 और 12 प्लस किए 20x, तो ये आ जाएगा 20x और 4 पीछे बच रहा है इज इक्वल टू 0, जो 16 डिवाइड में है उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा. ये 20x था, 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. यहां से फैक्टर बना लिए, 25 किसका स्क्वायर होता है 5x का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है बीच में. a कितना है 5x, ये a है, ये b कितना है 2, तो इसको सॉल्व करके 20 बन रहा है, 2 5 का 10, 10 2 का 20x, इसका मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया. a कितना है 5x, b कितना है 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहां से 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इक्वल रूट्स आएंगे यहां पर. x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2 अपॉन 5 विच हैज इक्वल रूट्स.
अगर टू टाइम्स करते हैं तो दूसरे का भी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस टू बाय फाइव। ये इक्वल रूट्स आए हैं, इक्वल रूट्स आए, इस मतलब सिंगल पॉइंट्स आया, तो इसका मतलब है कि टू सर्कल्स टच कर रही है किस पॉइंट पे, वो हम पॉइंट फाइंड करेंगे जिस पॉइंट पे सर्कल टच कर रही है। तो सीधा लिखेंगे हम पहले टू सर्कल्स टच ईच अदर, टच ईच अदर। अब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करते हैं, किस पॉइंट पे टच कर रही है, एक्स का तो निकल गया, एक्स का पॉइंट हम यहां पुट कर देते हैं इसमें रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन में, वाई निकल जाएगा तो एक्स की जगह माइनस टू बाय फाइव रखते हैं यहां पर, तो वाई कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री, एक्स की जगह माइनस टू बाय फाइव प्लस टू अपॉन फोर, ये आ जाएगा माइनस फाइव, एलसीएम ले लिया, माइनस सिक्स प्लस टेन इंटू वन बाय फोर, मैंने साथ में फाइव के साथ लिख दिया, ये आ जाएगा टेन माइनस सिक्स फोर, फोर अपॉन फाइव इंटू वन बाय फोर, फोर से फोर कट हो गया, कितना आ गया माइनस का वन बाय फाइव, यानी जो वाई का पॉइंट आया वो कितना है माइनस का वन बाय फाइव आ गया। तो एक्स का पॉइंट क्या आया था, एक्स का पॉइंट था माइनस टू बाय फाइव, ये एक्स का पॉइंट था और ये वाई का पॉइंट आ गया, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया माइनस टू बाय फाइव कोमा माइनस वन बाय फाइव, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आंसर आ गया क्योंकि उन्होंने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी फाइंड करने के लिए कहा था और साथ में टेंजेंट की इक्वेशन कहा था, टेंजेंट की इक्वेशन एंड पे आपने लिख देनी है, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों आंसर आ गए हमारे। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द टू सर्कल्स टच इफ दिस, इफ दिस का मतलब ये हमने प्रूव करना है, टू सर्कल्स क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं, इफ ये कंडीशन हमने प्रूव करनी है, वन पॉन ए स्केयर प्लस वन बाय बी स्केयर इज इक्वल वन बाय सी। हमें कहा हुआ है कि जो टू सर्कल्स है वो टच कर रहे हैं, तो इसमें जो टू सर्कल्स जिस लाइन पॉइंट पे टच कर रहे हैं वहां हम एक रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे, जो रेडिकल एक्सिस है, तो रेडिकल एक्सिस कैसे निकालेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके रेडिकल एक्सिस निकल जाएगा। तो हम यहां पर एक कंडीशन रखेंगे, जो सर्कल का सेंटर है, मान लो फर्स्ट सर्कल की बात करें, फर्स्ट सर्कल का सेंटर वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, रेडिकल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम क्या करते थे, सेंटर के पॉइंट उस रेडिकल एक्सिस में पुट करते थे और नीचे लिखते थे अपॉन रूट ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर रेडिकल एक्सिस का, और वो किसके इक्वल होता था, इक्वल टू रेडियस के इक्वल होता था, ये हमने पहले भी किया हुआ है ये। तो पहले हम रेडिकल एक्सिस निकाल लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर, जीरो आ जाएगा, तो टू ए एक्स को सब्ट्रैक्ट किया माइनस टू बी वाई, और सी से सी खत्म हो गया जीरो, यहां से टू कॉमन निकाल दिया, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, टू डिवाइड में चला जाएगा, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आ गई इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ गई। अब सर्कल का हम सेंटर निकालते हैं, फर्स्ट सर्कल है तो उसका सेंटर क्या होगा, C1। कैसे निकालते हैं, x का कोएफिशिएंट क्या होता है 2a, उसका करते हैं हाफ, 2 से 2 कट हो गया, उसके आगे लगाते हैं माइनस, तो क्या आएगा माइनस a, और y का कोएफिशिएंट, y तो है नहीं तो y का कोएफिशिएंट कितना है जीरो, फर्स्ट का सेंटर यानी इसका सेंटर किसी का भी निकाल सकते हो आप, सेकेंड सर्कल का भी सेंटर निकाल सकते हो और फर्स्ट का भी निकाल सकते हो, एक का किसी का भी निकाल सकते हो, मैंने फर्स्ट सी वन निकाला माइनस ए कोमा जीरो, तो हमें पता है कि सर्कल्स जो है ये टच कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, सी वन से स्टार्ट किया, कब टच करेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सी वन माइनस ए जीरो ऑन रेडिकल एक्सिस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन रेडिकल एक्सिस के ऊपर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस है ठीक है, रेडियस हम फाइंड करेंगे अभी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे निकालते हैं, सेंटर के पॉइंट रेडिकल एक्सिस में पुट करते हैं, और ये रेडिकल एक्सिस है तो सेंटर के पॉइंट इसमें पुट करेंगे, एक्स की जगह रखेंगे माइनस ए, वाई की जगह जीरो रखेंगे, तो एक्स की जगह रखेंगे हम माइनस ए और वाई की जगह जीरो, खत्म हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे रूट ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कॉफिशियंट क्या ए स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ वाई, वाई का कॉफिशियंट कितना माइनस बी है, और उसका स्क्वायर करेंगे प्लस का ही आ जाएगा, स्क्वायर करने पर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस निकालेंगे जैसे सेंटर है इसका स्केयर करना है, यानी कि ये एच की पॉइंट है, एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस सी, यानी एच का स्केयर यानी इसका स्केयर ए स्केयर, जीरो का स्केयर जीरो माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है यहां पर, सी यूज हो रहा है तो माइनस का सी,
ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, या एफ जी में भी लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, जिसको भी आप सेंटर लेट करोगे। अगर एफ जी सेंटर लेट कर रहे हैं उस सेंटर का स्क्वायर करना, माइनस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ये जो इक्वेशन में होती है कॉन्स्टेंट, उसके आगे माइनस लगाते हैं। अब ये माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आएगा, पर मोड में वैल्यू पॉजिटिव की होगी, पॉजिटिव की ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे क्या आ जाएगा, ए की पावर फोर आ जाएगी, यहां स्क्वेयर से रूट कट हो गया और यहां पर भी स्क्वेयर से रूट कट हो गया, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर के साथ, माइनस सी को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, तो मल्टीप्लाई किया आ जाएगा ए की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैसे ही रखा सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए की पावर फोर से ए की पावर फोर कट हो गया, तो यहां आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नेगेटिव टर्म इधर आके पॉजिटिव की हो जाएगी, सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू, और सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको नीचे कर दिया और सी को उधर इस तरफ कर दिया, बेस अलग अलग कर दिए, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर रख दिया और बी स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय सी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर बचेगा वन बाय बी स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर इज इक्वल वन बाय सी। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वन बाय ए स्क्वायर लिख दिया प्लस वन बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय सी, यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ये आंसर आ गया इसका।